हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा ऐसा केबल बिनाई लेके आई हूँ जो मैंने अभी एक लेडी स्वेटर बना रखी है इसमें डाला था, और आप देख सकते हो कि बिनाई इसमें कितनी अच्छी उभरी हुई आ रखी है। बहुत लोगों को दबे हुए जो हम केबल सिर्फ फोल्ड फोल्ड वाला करते हैं जो दब जाता है वैसा नहीं पसंद आता, किसी को उभरा पसंद आता है। तो आप अपने लिए कुछ ऐसा ये केबल ऐसे बना सकते हो जो ऐसे पूरे उभरे हुए आएंगे, ठीक है? तो मैं इसको आपको केबल को बनाना सिखाती हूँ। आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो ये मैंने ले रखी है वर्धमान की मिलीनियम है, और मैं आपको एक ये इसका पैटर्न बताती हूँ कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डालने हैं इसमें, ये तो जो है मेरा, ये मेरे 6 फंदे हैं। अगर आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए ये, जिससे आपके ज़्यादा उभर के आएँ, उसके लिए आप फंदे अपने बढ़ा सकते हो, 8 डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो। तो ये, लेकिन ये जो है मेरे, ये मेरे 6 फंदों का है। तो मैं आपको अभी सिर्फ 6 फंदों का बताती हूँ कि 6 फंदों का हमारा ऐसा वाला केबल कैसा बनेगा, ठीक है? तो मैं इसमें डाल देती हूँ अभी 12 फंदे डालूंगी। तो ये तो मैं आपको एक सिंपल टुकड़ा बता रही हूँ, तो आप नॉर्मल फंदे डाल लेंगे हम इसमें, सिंपल वाले। ये मैंने 10 फंदे डाल दिए। इसको अब मैं प्लेन चला लूंगी। प्लेन हमने इसको पहले, मैं अपनी तरफ के लिए बिन रही हूँ, तो 10 फंदों को मैं अपनी तरफ बिन लूंगी। 10 फंदे मैंने अपनी तरफ बिन लिए। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको प्लेन बना के दिखा देती हूँ ना, थोड़ा इजी रहेगा। तो फिर मैं इसके बाद सूटी सिलाई चला लेती हूँ एक। कभी भी जैसे हम स्वेटर बनाते हैं, या फिर थोड़ा किसी को पसंद होता है कि टाइट बिनाई पसंद नहीं आती, तो हमको इसमें यूज़ करनी है 9 नंबर की सिलाइयाँ। और जो ये स्वेटर में ऊन लगी है, अगर आप ये जानना चाह रहे हो, तो ये है वर्धमान की चार्मिंग। इसमें एक तो नॉर्मल जैसा हमारा ऐसा ऊन होता है, और साथ में एक इसमें होता है शाइनिंग वाला ऊन, वो इसमें रोल करा हुआ होता है। तो ये ऊन काफ़ी अच्छी आती है, रोई वगैरह इसमें नहीं आते हैं, काफ़ी अच्छी ऊन आती है। मैं तो इसी ऊन के ज़्यादा स्वेटर्स बनाती हूँ, तो आप भी इस ऊन को ट्राई करिए। जिन लोगों को शाइन पसंद है उनके लिए आप ये कर सकते हो। तो ये मैंने बिन लिया, इसमें 4 सिलाइयाँ बिन ली मैंने। ये देखिए, एक छोटा सा बना लिया मैंने सूट, जिससे कि आपको ईजी रहेगा देखने के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हम ये डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो 2 फंदे हमने उल्टे ले लिए, 2 फंदे उल्टे लिए, फिर हम अगला फंदा लेंगे सुलटा, ठीक है? सुलटे फंदे के बाद आपने क्या करना है, केबल्स को पलटना है। तो जैसे हम मोड़ बदलते हैं, वो चीज़ करनी है। तो जैसे 1, 2, 3 फंदे मैंने छोड़ दिए, अगला फंदा मैं बिनूंगी 1, फिर मैं उसके बाद का फंदा बिनूंगी 2, और फिर उसके बाद का फंदा। 3 फंदे मैंने बिन लिए, इन 3 फंदों को निकाल के इस सिलाई में डालूंगी, ये करा, फिर इन 3 फंदों को बिन लूंगी, ठीक है? ये मेरे 6 फंदों का मोड़ अभी यहाँ पर को मुड़ गया है। अगले 2 फंदे आ जाएंगे हमारे उल्टे, ओके। उसके बाद उल्टी सिलाई हमारी जाएगी, इसमें उल्टी ही जाएगी, उल्टी सिलाई बिनेंगे हम इसमें पूरा उल्टा। उल्टी सिलाई हमारी चली गई है पूरी की पूरी उल्टी, ठीक है? उसके बाद वही चीज करेंगे, 1 उल्टा, 2 उल्टे ले लिए, 6 फंदों को हमने बिनना है सुलटा, 6 फंदों को बिना हमने सुलटा। उसके बाद बिन लेंगे हम 2 फंदे उल्टे, ये बिन लिया, फिर उसके बाद 6 फंदे हमने बिने, 8 दिए, 10 फंदे हमने बिन लिए उल्टे, अपनी तरफ को बिन लेंगे। उल्टी सिलाई उल्टी जाएगी, उल्टी सिलाई उल्टी भी चले जाएगी। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे बिनेंगे हम ये सुलटे, 2 फंदे जाएंगे उल्टे, उसके बाद उल्टी सिलाई यही चले जाएगी।
यही प्रोसेस हमने करनी है। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फोल्ड करा था मोड़, और मेरे यहाँ पर आ रखे हैं तीन लाइनें उल्टी आई हैं, ठीक है, तीन लाइनें उल्टी आई हैं। तो ये लाइनें आनी चाहिए आपकी इसमें, जैसे है छह लाइनें आ रखी है, और अगली लाइन में मैंने फोल्ड कर रखा है दोबारा से, तो आपने वही करना है। छह लाइनें आप यहां पर को करो अपनी उल्टी, उल्टी लाइन चली जाएगी हमारी उल्टी ही। और बाकी आपने जैसे इसका स्वेटर में आप अगर डाल रहे हो कि ये बिनाई कैसे डलेगी स्वेटर में, तो फिर ये आप ऐसे करके अपना अरेंजमेंट बिठा लेंगे ना बिनाई के साथ, और उसमें फिर आप अपने केबल डाल लीजिए। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये छह फंदों का ऐसा केबल कैसा बनेगा सीधे उभरा हुआ। तो ये मेरे चले गए पांच, एक मैंने उल्टा और बनाना है। अब इसके बाद देखिए आपका एक दो तीन चार पाँच छः आ गए। अब आपने यहाँ पर को दोबारा से फोल्ड करेंगे अभी से। तो ये हमने करा, दो फंदे उल्टे बिन दिए। अब आपने क्या करना है ना, आपने ये ध्यान देना है कि जो आपका पहला पोर्शन है बिनाई छह फंदों का शुरू करने में, जो पहले के तीन फंदे है ना, ये हमेशा इनका पोर्शन ऊपर आना चाहिए, तभी आपकी बिनाई ऐसी उभरते हुए आएगी, ठीक है। तो इसी चीज का ध्यान देना है। तो ये जैसे मैंने बिनाना पहली बारी में तो हमने यहाँ से, तो अब आपने ये नहीं ध्यान देना है कि हम आगे से फोल्ड करें या इधर से फोल्ड करें, अब आपने ध्यान देना है कि ये पोर्शन हमारा कैसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब ये पोर्शन को मैंने ऊपर रखना है, यहाँ आगे आया तो ये आ गया है, तो ये अगर आगे आना है तो इसको मैंने पीछे से फोल्ड करूंगी, इसका मतलब है। तो इन फंदों को मैंने तीन पिछली साइड से बिन लिए, एक दो और ये तीन, तीन फंदे बिने, इन फंदों को निकाल के तीन फंदों को मैं बिन लूंगी प्लेन, एक दो तीन बिने, अगले दो फंदे आ जाएंगे हमारे उल्टे उल्टे, ठीक है। इसके बाद उल्टी सिलाई को हम बिन लेंगे उल्टा, और नीचे वाला जो प्रोसेस हमने करा था छह लाइनों के बाद सातवीं लाइन में हमने फोल्ड करना है, वही चीज को हम इसको बिनते रहेंगे। इसको मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ, दो केबल्स मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे छह हो गए इसमें, ठीक है, ये मेरे छह हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह हो गए। अब मैंने वही चीज दोबारा करनी है। अब इसमें ध्यान देना है मैंने कि ये वाला पोर्शन मेरा ऊपर होना चाहिए। इस पोर्शन को ऊपर देखने के लिए मैंने क्या करना है, दो ये बिन दिए, तीन ऊपर रखूंगी। अब इसमें आएंगे अगले तीन ऊपर, पिछली टाइम आए थे आगे के तीन ऊपर, अब आएंगे अगले तीन ऊपर, बस यही प्रोसेस आपकी बदलते जाएगी। ऐसा हमने सबसे पहले मोड़ में करा था जब हमने केबल शुरू करी थी, तब यही चीज हमने करी थी, और दूसरा नंबर का छोड़ के तीसरे में अब दोबारा से यही करेंगे, चौथे नंबर में वाली चीज आएगी जो हमने दूसरे नंबर में की थी। तो आपका ऐसा केबल देखिए ये बनता हुआ चले जाएगा ऊपर को पूरा उभरा हुआ, बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है। अगर आप छह फंदों का ना बना के इसे अगर चार फंदों का करते हैं ना, तो बहुत छोटा प्यारा सा बन के आएगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए चार फंदों में, चार फंदों का डिजाइन भी बहुत अच्छा बन के आता है।